हमारा अगला टॉपिक है ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7। अब देखें, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में एक पोटेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, यानी कि हम लोग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके यूज कर सकते हैं। याद रखें, सो K2Cr2O7 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम में क्या होता है, इस चीज का रिडक्शन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जैसे कि K2Cr2O7 कंसिस्ट ऑफ व्हाट, Cr2O7 2-। अब इसको हम लोग एसिडिक मीडियम में देख रहे हैं, सो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, इट अंडरगो रिडक्शन, आई मीन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसिंग Cr3+। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो, यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकाले तो यू विल कम टू नो कि जैसे कि 14 14 -2 16 16 डिवाइडेड सॉरी 14 -2 12 12 डिवाइडेड बाय 2 बोले तो 6, यानी क्रोमियम इज इन +6 स्टेट इन दिस वेरी प्लेस। अब जब रिड्यूस होता है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू +3, सो इट हैपेंस टू बी द रिडक्शन। सो बैलेंस रिएक्शन कुछ इस तरह से दिखाया जा सकता है। अब जो रिड्यूस हो सकता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। अब हम यहाँ पे कुछ ऐसे रिएक्शंस को ट्रेस करेंगे एज एन एग्जाम्पल, जहां पे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम लोग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। सो पहला फैमिलियर एग्जाम्पल हम देखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ I-2I2, यानी आयोडाइड आयन का कन्वर्शन आयोडीन में करने का काम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट कर सकता है। जैसे कि हमने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड दैट इज KI, और उस सॉल्यूशन में हम अगर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को डालते हैं तो क्या होगा, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट कैन ऑक्सीडाइज I- एंड रिलीज I2। अब यहाँ पे जो K2Cr2O7 है वो क्रोमिक सल्फेट में कन्वर्ट होगा, जिसमें अभी अभी हमने देखा ऑक्सीडेशन स्टेट में बदलाव देखा जा सकता है। सो दिस कैन बी गिवन इन दिस मैनर, सो K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम यानी डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब आप पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में डालते हैं, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ KI, तो उसमें होता क्या है कि K2SO4 आपको मिलेगा एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो दिस कैन बी गिवन इन दिस मैनर, सो Cr2SO4/3, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन एंड डियर बाय व्हाट द रिलीज ऑफ आयोडीन व्हिच कैन बी शोन इन दिस मैनर। आयोडीन रिलीज हो गया। अब आयोडीन रिलीज होने के बाद बैलेंस केमिकल रिएक्शन कैन बी गिवन इन दिस मैनर। सो आप देख सकते हो, ये रिड्यूस हुआ टू फॉर्म क्रोमिक सल्फेट, और यहाँ पे जो आयोडीन -1 स्टेट में है, इट इज गेट ऑक्सीडाइज टू आयोडीन इन दिस मैनर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे हम लोग I- के ऑक्सीडेशन के वक्त K2Cr2O7 को यूज कर सकते हैं। नाउ टेक ए लुक एट अनादर एग्जाम्पल, ऐसे तो हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस ऑक्सीडेशन ऑफ H2S। अब देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज H2S के सॉल्यूशन में जब आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते हो, तब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट बीइंग अ पोटेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टेंड टू ऑक्सीडाइज H2S एंड डिपॉजिट्स सल्फर। यहाँ पे सल्फर ये जो है वो डिपॉजिट करेगा। सो बैलेंस केमिकल रिएक्शन विच कैन बी गिवन इज K2Cr2O7 इन डाइल्यूट H2SO4 दैट इज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। किस में डालना है, H2S सॉल्यूशन में डालना है। ऐसा जब आप करेंगे,
दैट लीड टू द ऑक्सीडेशन ऑफ H2S। यहाँ पे हमें ये बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और आप याद रखें, सो सल्फर जो है वो बाकायदा डिपॉजिट होगा। सो डिपोजिशन ऑफ सल्फर इंडिकेट्स ऑक्सीडेशन ऑफ H2S टू सल्फर। इन दिस मैनर ऑक्सीडेशन ऑफ H2S कैन बी एट्रीब्यूटेड बाय यूजिंग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके अलावा भी बहुत सारे हमने रिएक्शंस अभी तक के देखे हैं, जैसे कि कन्वर्शन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड एंड देन टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स टू फॉर्म कीटोन्स। ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो चेंजेस है, हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज करके कर सकते हैं। अब फाइनली लेट्स डिस्कस यूजेस ऑफ K2Cr2O7। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट के पोटेंशियल यूजेस, सबसे पहला यूज तो आप याद रखेंगे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे अभी अभी हमने कहा, एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। दूसरी बात, एज ए डिसइंफेक्टेंट इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट यानी इन्फेक्टेड एरिया में से जर्म को मारने का काम भी K2Cr2O7 करेगा। सो इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वन कैन यूज पोटेशियम डाइक्रोमेट। उसके बाद इन टैनिंग ऑफ लेदर ये भी काम आप यूजिंग K2Cr2O7 कर सकते हो। एंड इन क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो इट वॉज ऑल अबाउट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट।